नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2021 के आंसर की है वो पिछले तरीके से आ चुकी है। लगभग सभी अभ्यर्थियों ने अपने नंबर भी चेक कर लिए और ऐसे में अब उनको इंतजार हो रहा है कि कब तक कट ऑफ आएगी और कब से फिजिकल शुरू होगी। उसके साथ ही काफ़ी ज़्यादा डाउट्स बने हुए हैं, क्या सर इस बार फिजिकल के नंबर भी क्या एड होंगे। साथ ही दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है, इस बार आपको 5 किलोमीटर नहीं 6 किलोमीटर की रेस करनी होगी। कैसे आपको 6 किलोमीटर की रेस करनी होगी इसको लेकर भी मैं पूरी जानकारी आपको डिटेल बताऊंगा, क्योंकि पिछली भर्ती में भी एक छोटी छोटी गलतियों के कारण पेपर में अच्छे नंबर होते हुए भी वो यहां पर फिजिकल में बाहर हो गए थे, जिससे बाद में उनको काफी ज्यादा दुख हुआ। तो इस बार आपको ऐसी कोई भी गलती भूल के नहीं करनी है, तो इसको लेकर मैं पूरी जानकारी आपको डिटेल से बताऊं। उससे पहले भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दे, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आगे आने वाली एसएससीजीडी कांस्टेबल भर्ती 2021 से जुड़ी पल पल की अपडेट आप सभी तक सबसे पहले पहुंचती रहे। साथ ही दोस्तों फिजिकल से रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट है कि फिजिकल में यहाँ पर रनिंग कितनी होगी, हाइट कितनी होनी चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए, किन किन को हाइट और चेस्ट में छूट मिलेगी, तो साइड का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां जाके आप पूरी डिटेल भी विस्तार से देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले फिजिकल को लेकर। बिल्कुल मैं आप सभी को बता देता हूं, क्योंकि अभी आपका नॉर्मलाइजेशन का जो स्कोर है वो आपको नहीं बताया, केवल अभी आपको रो मार्क्स पता है और जल्दी आपके नॉर्मलाइज्ड स्कोर भी आपको बताया जाएगा, लेकिन नॉर्मलाइज्ड स्कोर से पहले आपकी कट ऑफ आएगी। तो 31 दिसंबर लास्ट डेट है, उसके बाद में कभी भी आपकी कट ऑफ आ सकती है। साथ ही जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट में आपके फिजिकल भी शुरू हो जाएंगे, तो फिजिकल के लिए आपके पास में काफी कम समय बचा है और फिजिकल से रिलेटेड आप सभी के डाउट्स भी क्लियर होने चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर आपका कट ऑफ में नाम आ जाता है और उसके 10 या 15 दिन बाद में अगर आपका फिजिकल है तो आप फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाते और उससे काफी ज्यादा दुख होता है। इसलिए काफी महत्वपूर्ण बात बता दूंगा, सबसे पहले फिजिकल के नंबर आपके जुड़ने वाले नहीं है। बिल्कुल दोस्तों आपकी जो मैट बनेगी वो केवल और केवल रिटन एग्जामिनेशन के बेस पर बनने वाली है, मतलब फिजिकल में दोस्तों आप केवल क्वालिफाई करना होगा, हाइट वेट चेस्ट दौड़ सभी आपको केवल और केवल क्वालिफाई नेचर पर आधारित है। अब यहां पर बात करते हैं कि इस बार आपको 5 नहीं 6 किलोमीटर की रेस करनी होगी, कैसे तो मैं आप सभी को बता देता हूं। क्योंकि दोस्तों पिछली बार कोरोना की वजह से आपको काफी लंबा समय मिल गया था फिजिकल के लिए, लेकिन इस बार आपको इतना ज्यादा समय नहीं मिलने वाला है फिजिकल के लिए, और आपका जो फिजिकल होगा वो सभी पैरामिलिट्री फोर्सेज BSF करवाएगी, कहीं जगह CRPF करवाएगी, तो कहीं जगह असम राइफल फिजिकल करवाने वाली है। और मैं चाहता हूं कि आप घर पर 5 किलोमीटर की जगह आप 6 किलोमीटर की रेस करें, ताकि वहां पर आप 5 किलोमीटर की रेस आराम से निकाल सके और आप रनिंग आराम से क्वालिफाई कर सके। कई बार क्या होता है, हम घर पे रनिंग करते हैं लेकिन हमको दूरी का पता नहीं होता, हम सोचते हैं ये 5 किलोमीटर की दूरी है लेकिन वो एक्चुअली में 3, 3.5 या 4 किलोमीटर की दूरी होती है। जब हम फिजिकल के लिए वहां पर जाते हैं सेंटर में, तो वहां पर हम फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाते और सोचते हैं कि मैं घर पर 5 किलोमीटर की रेस कर लेता था, आखिर मेरे से वहां पर 5 किलोमीटर की रेस क्यों नहीं हुई। तो यही एक बड़ा कारण है कि आप घर पर आपने कम दूरी की पर रनिंग लगाई थी और आप सोच रहे थे कि वो 5 किलोमीटर है। तो आपको घर पे क्या करना है दोस्तों, 5 की जगह 6 किलोमीटर की रेस लगानी है, ताकि आप जहां पर भी आपका फिजिकल हो, क्योंकि असम राइफल वगैरह का जो फिजिकल होता है, साथ ही हाइट वेट चेस्ट हो या मेडिकल हो, सभी काफी अच्छे लेवल का होता है, टफ लेवल का होता है। 2018 में भी सबसे ज्यादा रिजेक्ट कैंडिडेट असम राइफल के सेंटर में हुए थे, सबसे इजी फिजिकल वो BSF ने करवाया था, उसके बाद में CRPF ने करवाया था। तो इसी प्रकार अलग अलग सेंटरों में आपका ये फिजिकल होने वाला है। इसके अलावा मैं आप सभी को बता दूं मेरे प्यारे बच्चों कि अगर फिजिकल से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएगा, क्योंकि मैं सभी के कमेंट्स रीड करता हूं लेकिन सभी के रिप्लाई नहीं कर पाता हूं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते हैं। लेकिन आपको एक्चुअली लगता है कि मुझे बात करनी है सर से, मेरा कोई बड़ा डाउट है, आपको कोई दिक्कत हो रही है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, ऑफिशियल बाबू फौजी के नाम से हमारी इंस्टाग्राम ID है और वहाँ पर आप पर्सनली भी हमें मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।